फ्लैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वागत करता हूँ आपका इस YouTube चैनल पर, जहाँ मैं लेके आया हूँ QV3 की व्हील स्पिनिंग प्रॉब्लम। वैसे आपको सभी को पता है कि इसमें ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको ये पता है ये प्रॉब्लम इसमें क्यों होती है? तो मैं पहले आपको डेमो दिखा देता हूँ, इसके बारे में बताऊँगा ये प्रॉब्लम आपको क्यों होती है। दोस्तों अब आप लोगों ने खुद ने देख लिया है कि हाँ इसमें प्रॉब्लम होती है। मैंने एक जो टायर था वो जैक के ऊपर कर दिया और दूसरा फेस पर ही था, ठीक है। तो इस पर क्या हुआ कि जो टायर फर्स्ट पर था उस पर ये पावर नहीं कर रहा था, वो एकदम फिक्स था, उसके पास पावर बिल्कुल नहीं जा रही, और जो टायर ऊपर कर रखा था जो फ्री टायर था वो स्पिन कर रहा था। तो इसमें ये प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ती है मैं इसको बता देता हूँ आपको। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये शाफ्ट है, इससे ये यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसे कहते हैं डिफ्रेंशन कहते हैं। इससे ये क्या है, दोनों टायरों में ये पावर को कंबाइन करता है, दोनों को बराबर पावर देता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें एक को ज़्यादा और एक को बिल्कुल पावर नहीं मिलती है। उस सिचुएशन क्या होती है, जैसे देख सकते हो ये अभी टायर जैक पर है और ये एकदम हवा में टायर है, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशनों के लिए क्या होता है, आप गाड़ी जैक पे लगा के भूल जाते हो और आपने आगे या फिर रिवर्स करते हो तो एस जैक पे होगी तो पूरी गाड़ी गिर जाएगी, क्योंकि टायर उसमें आपने लगाया हुआ हो ना हो तो वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो उस समय क्या होती है, आपकी गाड़ी पलटने का डर रहता है। तो उसके लिए ये ट्रिक मतलब ये ऑप्शन दे रखा है आपको, ठीक है, ये उससे बचाने के लिए है। तो दूसरा क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंशियल और काम आता है, ये सिटी में जब आप ड्राइव करते हो तो आपका जो टर्निंग रेडियस है वो बढ़ाने के लिए डिफरेंशियल काम आता है, जिससे क्या होती है आपकी टर्निंग रेडियस जो है वो कम हो जाती है, सिटी में काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन जब आप इसे ऑफ रोडिंग के लेके जाते हो तब ये वहाँ पर काम नहीं आता है, फिर क्या होता है आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है उसके लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सेंसर लग रखे हैं, QVU में एक लग्जरी गाड़ियों के अंदर आती है, तो इसमें काफ़ी सेंसरों का यूज़ कर रखा है। दोस्तों अब आपको दिख रहे होंगे ये सेंसर जो यहाँ पर लग रखे हैं, ये जो बड़ा वाला पाइप है जो आपको दिख रहा है येलो कलर का, ये तो डम्प ब्रेक के लिए है जो यहाँ पर एयर मतलब देता है मतलब, ठीक है। और यहाँ पर ये सेंसर के तार वगैरह दे रखे हैं जो यहाँ से होके जो कनेक्टिविटी देख रहे हो आप, यहाँ से एक और पीछे से दे रखा है और उसकी वहाँ पर दे रखी है कनेक्टिविटी, दोनों की सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। तो ये देख चुके हो इस तरह है। और हाँ, TV में ये जैक पॉइंट दे रखा है, जैक आप यूज़ करें तो यही करें, ये ऊपर इसकी मार्किंग भी दे रखी है दोनों तरफ, और आगे भी इसी तरह है जो मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ उसके लिए। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया डिफरेंशियल क्या होता है, वो जो पावर डिवाइड करता है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको पावर देता है, लेकिन जब एक टायर फ्री हो जाता है तो सारी पावर उसको ही मिलती है, जो फेस पर रहता है किसी भी सरफेस पर उसको पावर नहीं मिलती है। ये है तो सेफ्टी रीज़न के लिए, लेकिन आप जब इसे ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाते हो तो ये वहाँ पर समस्या बन सकती है। अगर आप कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे हो, जैसे कि 5 की स्पीड या 50 या 100 या कोई भी स्पीड में अगर रनिंग करी है तो ये प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम तब होगी जब आपकी जो कार है वो कहीं पर रुकी हुई होगी। फिर क्या होगा, जैसे ही आप टायरों को मतलब पावर दोगे, जैसे पावर आप जनरेट करोगे, तो अगर मिट्टी अगर मुलायम होगी ना तो वहाँ से वो सारी मिट्टी जो है वो स्लिप होके टायर जो है वो नीचे बैठने पड़ेगा। जिस समय जो टायर मिट्टी के अंदर चला जाता है वो स्पिन करता रहेगा, और जो टायर सरफेस पर है जो मतलब कड़क मिट्टी पर है वो नहीं घूमेगा। तो इस वजह से ये ऑफ रोडिंग में QV थोड़ा ऐसा नहीं कह सकते बेटर है, क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए ठीक नहीं है।
इसके लिए हाँ काफ़ी लोग जो है बुलेरो लेते हैं, क्योंकि इसमें ये सिस्टम नहीं होता है। ये महिंद्रा की जहाँ तक मैं जानता हूँ TUV और XUV में फीचर है, और KUV में, इन तीनों में ये। इसका उपयोग मैं कंफर्म इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि फोर व्हील ड्राइव मिलती है तो उसमें ये 4x4, तो उसमें कन्वर्टर शायद ही होगा। और XUV भी वो ऑल व्हील ड्राइव में आती है तो उसमें तो ये आपको मिलता है। 4x4 गाड़ियों में चीज़ नहीं होती है, तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। और इन गाड़ियों में तो ये सारे सिस्टम दे ही रखे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई और भी डाउट्स हो तो वो आप मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं सोच रहा था, ये मेरे पास T6 है, तो आपके कमेंट्स तो आए थे कि TUV का रिव्यू करो, लेकिन मेरे पास T6 है। अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा, मैं ज़रूर इसके लिए वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इसकी सारी डिटेल्स मैं शो करूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, कीप वॉचिंग।